हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ आसाम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है ग्रेड 3 नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है आप कैसे फिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो भी ये वैकेंसी है, जो भी इसकी एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स हैं, वो आपको मिल जाएंगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अकाउंटेंट, कैशियर, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, ड्राइवर, स्टोर कीपर, रिकॉर्ड कीपर, सभी की वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहेंगी। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 12 मई 2020 से 27 मई 2020 तक। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द ग्रेड 3 नॉन टेक्निकल पोस्ट ऑफ लखीमपुर मेडिकल कॉलेज। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप इसके होम पोर्टल पर आएंगे और यहाँ पर आपको बेस्ट व्यूअर बताया गया है कि कौन सा यहाँ पर जो ब्राउज़र है आपको यूज़ करना है। और इसके बाद आपको यहाँ एक एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। इसके बाद क्लिक कीजिए इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। सबसे पहले यहाँ पर आपको चूज़ करना है कॉलेज का नाम, तो कॉलेज का नाम आपका एक यहाँ पर जो शो कर रहा है वही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद है नॉन टेक्निकल पोस्ट, जो कि आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसमें जो भी पोस्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। इन पोस्ट पर क्लिक करने से पहले मैं दोबारा कहूँगा, जो अकाउंटेंट या फिर जो भी पोस्ट आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर डिग्री है आपके पास और एक साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और सेम आपका यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के लिए भी मांगा गया है आपकी जो क्राइटेरिया है, और साथ में जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के भी मांगा गया है, तो आप इनमें से जैसे आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल पोस्ट को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर मान लीजिए आपने 3 पोस्ट सेलेक्ट कर ली, 2 कर ली, जो भी आप करना चाहें वो आप यहां से कर सकते हैं और उसके बाद इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर देखिए जो जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की है वो आपको ऊपर यहां शो करेगी। यहां पर आपको सबसे पहले एंटर करना है आपका नाम, तो आपका नाम फ्रेंड्स आप यहां फिल करेंगे कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद आपका जो फादर नेम है वो आपको एंटर करना है, और उसके बाद आपका मदर नेम आपको एंटर करना है। फादर या मदर का जो एड्रेस है, जो भी आपका पूरा एड्रेस है उनका, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर वो आपके साथ रहते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, तो आपका जो एड्रेस है वो आप इस सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं भी आप यहाँ पर सैंपल के तौर पर शॉर्ट में एड्रेस लिख रहा हूँ, आपको पूरा एड्रेस लिखना होगा। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आपकी जो DOB है वो इस कैलेंडर के माध्यम से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ईयर मिल जाता है, सन मिल जाते हैं, मंथ मिल जाता है, आपका जो भी एज होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। नहीं आता है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, और इस पर क्लिक भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ का ऑप्शन, तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है वो आपको बताना है, आपका पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है वो आपको बताना है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो इनमें से जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इनमें से नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, और अदर स्टेट का नाम आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपका कौन सा स्टेट है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद आपका जो पूरा एड्रेस है, जैसा मैंने अभी आपको कहा, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विद पिन कोड। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है, आप सेम एज पर क्लिक कर दीजिए। अलग अलग है, आप जो है मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, अगर STD कोड के साथ अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर आप देंगे। आपकी जो भी मेल आईडी है वो आप यहां पर फिल कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको एक्टिव एंड वैलिड यहां पर फिल करनी है। इसके बाद आप सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है तो आपको यहां बताना है, अगर आप यस करते हैं तो बाई बर्थ है या अदर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहां फिल करेंगे। आप PH कैंडिडेट है तो यस कीजिए, आपका PH टाइप आप यहां सेलेक्ट करेंगे, और नहीं है आप इसमें नो करेंगे। कैटेगरी में जनरल, OBC, SC, ST, SC जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी, तो सबसे पहले डिग्री या डिप्लोमा जो भी सर्टिफिकेट आपसे मांगा है, तो आप यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे डिग्री मांगी है आपसे, तो आप डिग्री यहाँ पर दे सकते हैं, तो डिग्री की जानकारी आप यहाँ पर दे देंगे। तो सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर देखिए जो आपका स्कूल या कॉलेज या जो भी आप इंस्टीट्यूशन है उसका जो एड्रेस है पूरा, वो आपको नाम लिखना है, और उसके बाद उसका जो पूरा एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो ये पूरा एड्रेस जब आप लिख देंगे, इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देनी है, तो आपने ईयर ऑफ पासिंग दे देंगे, और यहाँ पर फ्रेंड्स आकर डिग्री या डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे ब्रॉस के माध्यम से।
इसके बाद HLC या HLC के इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपने एग्जामिनेशन पास किया हुआ है तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सेम आपका जो एजुकेशनल नाम है वो लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एंट्री करने के बाद नीचे आप आएंगे और नीचे आपको मिलता है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। अगर आपके पास कोई भी ऑक्यूपेशन है इस समय, मतलब आप कोई रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर प्रीवियस में कोई अपॉइंटमेंट आपने किया है तो आप प्रीवियस अपॉइंटमेंट की जानकारी दे सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोजगार कार्यालय में अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। फैमिली एनुअल इनकम आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। अगर आप BPL कार्ड होल्डर हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं आप नो करेंगे। यदि आप फ्रेंड्स यहां पर टेम्परेरी या फिर कोई भी वैकेंसी पर काम करते हैं डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ आसाम में, तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप किसी भी NCC टेरिटोरियल आर्मी में अगर आप एक एज ए होम गार्ड या फिर आप एज ए सब्जेक्ट उसमें वर्क करते हैं तो भी आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है तो भी यस या नो आप कर सकते हैं। यदि आप यहां पर यस करते हैं तो उनका नेचर ऑफ जॉब, आपसे रिलेशन, उनकी सैलरी क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, वो परमानेंट है टेम्परेरी है, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। नीचे आपको फोटो एंड साइन अपलोड करने हैं। तो फोटो के लिए फ्रेंड्स यहां पर साइज दिया गया है 35 KB। अब यहां पर जो पार्ट है अगर आपको दिक्कत आती है या तो ये अपलोड हो जाएगा, अगर ये अपलोड नहीं होता है तो आपको यहां पर देखिए जो पिक्सल दिए गए हैं, जैसे फोटो की जो हाइट है वो 250 से 320 के बीच में और जो विड्थ है वो 150 से 220 के बीच में होनी चाहिए, तो आपको यहां पर इन पिक्सल को सेट करना होगा। आप पिक्सल कैसे सेट करेंगे, इसके लिए आपकी जो भी फोटो है उसको आप ओपन करेंगे MS पेंट में। तो फ्रेंड्स MS पेंट में ओपन करने के बाद आपको यहाँ एक टैब मिलेगा रिसाइज का, या फिर आप Ctrl+W दबाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को आप अनटिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको पिक्सल मांगा है तो हाइट के लिए 250 से 320, तो जो हाइट वाला है ये आपका नीचे वाला 250 से 230 के बीच में आपको यहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ पर जो भी संख्या दी गई है 250 से 320, तो ये कम है यहाँ पर, तो हम इसको 250 ही कर देते हैं मिनिमम जो भी हमसे मांगा है। इसके बाद है विड्थ, तो 150 से 220 के बीच में, तो यहाँ पर आपको 150 से 220 के बीच में करना है, तो ये सही है, हम इसको ओके कर देंगे। ये ऑटोमेटिक पिक्सल सेट हो जाएगा। आप इसको सेव एज पर जाकर JPG इमेज में सेव कर सकते हैं या फिर इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फ्रेंड्स आप यहां पर उसको क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपलोड करेंगे। इसी तरह सिग्नेचर का भी फ्रेंड्स आपको पिक्सल का यहां पर ध्यान रखना है, इसी पिक्सल में आपको यहां पर अपने फोटो एंड साइन को अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स फोटो या साइन अपलोड करने के बाद दिए गए पिक्सल में आपको नीचे मिलता है पासवर्ड ऑप्शन, तो 8 से 12 कैरेक्टर के बीच में आपको यहाँ पासवर्ड बनाना है। तो आप कोई भी यहाँ किसी भी तरह का पासवर्ड बना सकते हैं, बस आपको 8 से 12 कैरेक्टर के बीच में जो संख्या दी गई है इसी के बीच में आपको पासवर्ड बनाना है, जो कि आपके लॉगिन करते समय आपको काम आएगा। तो यहाँ पर पासवर्ड आपने जनरेट कर लिया है और यहाँ पर नीचे सबमिट का ऑप्शन है। सबमिट करने से पहले ऊपर जाइए, सभी डिटेल को चेक कीजिए, अगर आपको लगता है सभी डिटेल सही हैं तो ही आप इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब आपको लॉगिन करना है, तो आपको पास में ही लॉगिन का सेक्शन मिल जाता है। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और जो पासवर्ड आपने जनरेट किया था या बनाया था अपने आप, वो आपको यहाँ फिल करके यहाँ से करना होगा इसमें लॉगिन। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो आपका प्रोफाइल है या आपका जो डैशबोर्ड है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, मेल आईडी सभी देख सकते हैं। आप यहाँ पर अपना चाहे तो प्रोफाइल देख सकते हैं और पास में ही आपको एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन प्रिंट निकलवाना चाहते हैं या PDF में सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से सिंपली इसको कर देंगे यहाँ से लॉगआउट। लॉगआउट करने के बाद आपका जो ये फॉर्म है वो कम्प्लीटली सबमिट हो चुका है। इसका जो प्रिंट आउट है वो अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रख लीजिएगा। और बाकी की जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फीस आपकी यहां पर नहीं है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात रही ऑल इंडिया वैकेंसी की, तो कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। बाकी फ्रेंड्स यहां पर ऐसा कहीं बताया नहीं गया है फॉर्म में कि आप यहां पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, पर बाकी यहां पर जो प्रेफरेंस है वो आपको असम के कैंडिडेट को ही मिलेगी। तो आप अपने चाहे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अभी आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं लग रही है और ट्राई कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसमें आवेदन करें या ना करें। तो फ्रेंड्स बाकी की जानकारी के लिए जैसा मैंने आपसे कहा वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा jobrasta.com का। साथ में फ्रेंड्स हमारे YouTube चैनल A24 नॉलेज को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम आपके लिए लेटेस्ट ऐसे ही अपडेट लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।